दोस्तों मैं फराज मलिक। सुबह सुबह एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आधी रात को अचानक से देश के अंदर हंगामा सा होने लगा और हंगामे की वजह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर अकाउंट से किया गया एक ट्वीट। दोस्तों ये काफी गंभीर मामला है और सोचने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जब ऐसा हो सकता है तो हम लोगों का क्या होगा। रात 2:11 पर प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि भारत ने आधिकारिक रूप से बिटकॉइन को कानूनी मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 BTS खरीदकर लोगों को बांट रही है। नीचे लिखा था जल्दी करे इंडिया और एक वहां पर लिंक था और उसके नीचे था भविष्य आज आया है। सेम ऐसा ही ट्वीट 2:14 पर किया गया। इस ट्वीट को पहले डिलीट कर दिया गया तुरंत 2 मिनट के बाद, फिर 2:14 पर सेम ऐसा ही ट्वीट और आया जिसको भी तुरंत ही डिलीट कर दिया गया। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्विटर हैंडल से एक और ट्वीट आता है जिसमें यह जानकारी दी जाती है कि पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से छेड़छाड़ की गई थी जिसे तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है और मामले की जानकारी ट्विटर को दे दी गई है। अकाउंट से छेड़छाड़ की गई छोटी सी अवधि में साझा किए गए किसी भी ट्वीट को नजरअंदाज किया जाए, यानी यह जानकारी दी गई प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कि मोदी जी के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया था। रात के 2:11 पर बिटकॉइन वालों ने मोदी जी के ट्विटर अकाउंट को हैक किया और ये किया उनके ट्विटर अकाउंट से मैसेज के बिटकॉइन को भारत में कानूनी अधिकार दे दिया है भारत सरकार ने, जिसके बाद लोगों में हंगामा सा देखा गया। अब आपको बता दें कि आखिर इतना हंगामा क्यों हुआ इस ट्वीट को लेकर। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि बिटकॉइन को लेकर इस वक्त देश के अंदर काफी चर्चाएं चल रही हैं। बिटकॉइन एक बहुत अजीबोगरीब करेंसी है तो RBI उसको कह रहा है कि ये बिटकॉइन जो है वो देश के लिए काफी गंभीर मामला है और काफी खतरा भी पैदा हो सकता है इससे। इसको लेकर केंद्र सरकार जो है शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसमें एक बिल भी पेश करने वाली है। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई बिल बन जाए और हमारे देश में भी इसको इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर बैन भी लगा सकती है सरकार। तो इसी बिटकॉइन को लेकर हैकर ने रात के 2:11 पर प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक करके वहां से ट्वीट कर दिया कि बिटकॉइन को भारत में मान्यता मिल गई है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अभी ऐसा कोई भी आदेश सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। तो यह सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे लोगों का ट्विटर अकाउंट हैक हो सकता है, तो फिर सोचिए कि हमारा क्या क्या नहीं हैक हो सकता। इसीलिए कहता हूं भैया, सोशल मीडिया बड़ा खतरनाक चीज है। इंटरनेट पर अगर आप हैं तो आपकी कोई भी प्राइवेसी कहीं पर भी लीक हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।